हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए क्रिस्ट ओलम पैट के लिए क्लास फर्स्ट मैथमेटिक्स के प्रैक्टिकल प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आई हूं। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको क्रिस्ट ओलम पैट के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। देयर आर 80 फ्लावर्स इन पार्क कंपेराइजिंग रोज, लिली एंड मैरीगोल्ड। इफ देयर इज 25 रोज एंड 40 लिली तो फाइंड द नंबर्स ऑफ मैरीगोल्ड। अगर हमारे पास 80 फ्लावर्स हैं और 25 रोज हैं, 40 लिली हैं, तो हमें निकालना क्या है, मैरीगोल्ड कितने हो रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे रोज एंड लिली के फ्लावर्स को ऐड कर लेंगे। 25 + 40 ये हो जाएगा 5 and 4 are 2, 6, 65। अब 80 टोटल फ्लावर्स कितने हैं हमारे पास, 80 में से हम इसको माइनस करेंगे, 80 - 65। 10 में से 5 गया 5, ये 1 माइनस हो गया, यहाँ 110 चले गए, तो 7 में से 6 गया 1, कितना आंसर आ रहा है, 15। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 15। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर नेम इज 214 इज ए 2, 1 and 4, बी 204, सी 214, डी 215। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 214। इसको हम नंबर्स में इस प्रकार लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दिस शेप्स शुड बी कंबाइंड विद द गिवन शेप फ्रॉम अ सर्कल। इसमें से कौन सा शेप हम कंबाइन करेंगे, ये हमारा एक सर्कल बनकर तैयार हो जाए। इस शेप को अगर हम यहाँ पर सर इस शेप में डालेंगे तो ये सर्कल हो जाएगा। देखिए इस तरह का ये शेप हो रहा है और ये ऐसा शेप हो रहा है। इसको हम अगर करते हैं ये कंबाइन हो जाता है। सो करेक्ट आंसर इज सर्कल। कंबाइन करके इसको हम सर्कल बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, Arrange this tree increasing order of their heights. Heights के according इसको increasing order में हमें arrange करना है। Increasing order में छोटे से बड़े की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सबसे छोटा tree यहाँ पे Q हो रहा है, तो इसको हम इस प्रकार arrange कर सकते हैं, Q less than, फिर हमारा P है, P less than R and फिर less than S। इस प्रकार का ऑप्शन हमारा किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लुक एट द इमेज एंड गिवन बिलो एंड ऐड। यहाँ पे इमेज दिए गए हैं, इसको हमें ऐड करके ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो बच्चों इसको सबसे पहले आपको काउंट करना है कितने हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये कितने हो गए, 14। और इधर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गए 7। 7 + 14 हमारा हो जाता है 21। अब हमें ऑप्शंस में देखना है कि 21 जो है हमारा कौन से ऑप्शन में आ रहा है। चलिए इसको हम देख लेते हैं 21 कौन से ऑप्शन में आ रहा है। इसको आपको इस तरह काउंट करना है। हेलो, हाँ ठीक, सब ठीक है। और नहीं ऑफिस में और तो आ हाँ हाँ कर सकते हैं। और एग्जाम बताए, अच्छा अभी तो कुछ पता नहीं है, देखेंगे डायरी में तो ही बता सकते हैं। हाँ फर्स्ट टर्म में ना तो हो गया उसका, हाँ फेली एग्जाम होगा, फर्स्ट तो हो गया, तुम आने का सोच रही हो। अच्छा
वो तो आप देखते हैं डायरी। हाँ, 8th में गई है। अब पढ़ रही है, पढ़ने पढ़ती तो दिमाग तो तेज है, पढ़ती तो है, मतलब ऐसे नहीं पढ़ती है, भले थोड़ा बहुत ट्यूशन उसने पढ़ेगी, स्कूल में पढ़ेगी, घर में नहीं पढ़ेगी, बस उस बस। हाँ वो तो है, कितना बोलो कितना जाते करना करेगी नहीं करना क्या कर सकती है। वैसे पढ़ तो लेती है, एग्जाम एग्जाम में तो लिख ही लेती, भले ऐसे मतलब टाइम देना चाहिए पढ़ना चाहिए था ना, नहीं पढ़ती है, बाकी पढ़ तो लेती है, बस यही बात है। उज्जैन में तो खाली मंदिर है बिल्कुल, और एक मोदी सरकार ने बनाया है उज्जैन में, एक उज्जैन दर्शन करके थोड़ा सा लाइटिंग वाइटिंग टाइप का है थोड़ा सा, तो वो तो शाम में लाइटिंग का अच्छा लगता है, बाकी तो महाकाल मंदिर है और बहुत सारे मंदिर है, मेन तो उज्जैन में मंदिर के लिए ही है। हाँ 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 आराम से आराम से। अब वहाँ तो बहुत मंदिर है, मेन मेन मंदिर घूम लो, कितना घूम खुशी मंदिर पड़ेगा। अब देखो हम तो अपनी गाड़ी से ही जाते हैं, ओला करने की तो जरूरत पड़ती नहीं है, और ड्राइवर रख लेते हैं, जैसे कभी उसको नहीं चलाना हुआ, दर्द उदर्द ऐसे ही दूर जाते हैं तो ड्राइवर कर लेते हैं, और लोकल रहा तो ये अपने ही चला लेता है। अब अपना सही बात है, अब जैसे भाभी भी आई थी तो पार्क वाटर पार्क में, तो इसका कुछ काम उम था तो नहीं है गया था, तो फिर ड्राइवर को बुला लिए थे। हाँ मतलब जैसे नहीं है अपना, दोनों दो डायरेक्शन में, एक दिन में दोनों नहीं हो सकते। भले तुम एक काम कर सकती हो, गाड़ी ले लो, ड्राइवर कर देंगे, अपना चले जाना, ये कर सकते नहीं नहीं जा सकते, वो क्या है स्त्री आजकल मंदिर जाने का नाम नहीं लेती, मंदिर से पाते जाइए हो मंदिर के मंदिर के नाम से ही चीज जाती नहीं जाता मंदिर है, और उज्जैन भी तो है। हाँ मंदिर तो कैबर, उज्जैन तो कैबर जा चुके हैं ना, इधर कैबर हम गए उज्जैन तो, ओंकारेश्वर में भी और लाइन उन भी लगना लगता, खड़ा तो होना ही पड़ता है, वेट तो करना ही पड़ता है अपने। हाँ तुम भले VIP में भी करवाओगी तो भी तुरंत तो नहीं होता, एक घंटा, फिर भी कैसा दिन है कौन सा टाइम है उसका थोड़ा तो लगता ही, ऐसा तो है नहीं किसी से तुमको मंदिर में ले जाएगा, कुछ भी करो। ऐसे संडे या मंडे को बहुत भीड़ रहता है, संडे को भी और मंडे को भी, संडे का छुट्टी रहता है लोगों का तो उस हिसाब से भीड़ रहता है, और मंडे तो दिन ही है हाँ मतलब सोमवार तो भगवान उन्हीं का दिन है ना, नहीं चलने को चल सकते कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं द्वारका तो नहीं हुआ है, नहीं वो भी नहीं है,
अच्छा गाड़ी से हाँ नहीं नहीं हमको तो गाड़ी पसंद ही नहीं आता गाड़ी से जाना हमको तो हाँ हमको तो गाड़ी से पसंद ही नहीं है ज्यादा जाना हाँ नहीं उज्जैन ओंकारेश्वर तो ठीक है बाकी उज्जैन ओंकारेश्वर तो ठीक है बाकी का तो देखो कितना खर्चा होगा बताना मुझे क्या है अब इसका भी टाइमिंग देखते हैं तो फिर बताओ पता तो करके बताओ फिर बात करते हैं देखते हैं क्या हो सकता है टाइमिंग क्या है क्या नहीं है ठीक है हाँ जॉब हाँ हाँ जॉब में अब जाने के छुट्टी की दिक्कत आएगी हाँ वही बात उतना लंबा छुट्टी चलो पता तो करके हाँ नहीं नहीं ठीक है द्वारका तो हम लोग को भी जाने का मन तो है लेकिन अब उपाय नहीं हो पा रहा देखते हैं क्या है सब हिसाब किताब भी सब कुछ देखना पड़ता है देखते हैं हाँ नहीं उधर तो क्या हाँ वहाँ तो है ही जगह हाँ वो तो सही बात है इतने लोग जाएंगे अलग अलग करो तो उस हिसाब से टिकट ही लग जाएगा फिर परेशान आदमी अलग होगा हाँ हाँ वो तो हाँ नहीं वो तो देखते हैं अब क्या है वो श्री से भी पूछते हैं वो तो पता नहीं क्या करेगा आजकल क्या है बच्चा सबको भी जो है परेशान हो रही है मंदिर हाँ नहीं सही बात हाँ हो जाएगा तो अच्छी बात है हाँ चलो हाँ नहीं वो तो है देखते हैं फिर बताते हैं अभी कुछ के हाँ नहीं वो एग्जाम का तो बता ही देंगे यहाँ तो आ ही जाओ और द्वारका और सोमनाथ का देखते हैं क्या करना है वो बताते हैं तुम और एग्जाम नहीं अब इससे भी पूछे उससे भी पूछे सबसे पूछने वाला मुझे अकेले थोड़ी ज्यादा कोई बात नहीं पूछ के फिर बताते हैं
फोन कट गया था। अच्छा, थोड़ा बहुत रहता है, बहुत ज्यादा नहीं। इस बार तो ठंडा में कुछ ज्यादा पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सवर सिंह पर रह रही है। और बार का क्या है पता नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत हमको लगता है सुबह और शाम में थोड़ा जरूरत पड़ता है, दिन उनमें तो जरूरत नहीं पड़ता। हाँ, थोड़ा बहुत रहा। छठ के बाद आने का सोच रही है। अच्छा, हाँ तो चलो ठीक है, पता करके बताते हैं। टिकट तो पहले से तुमको कटवाना पड़ेगा ना, टाइम कहाँ है। हाँ देखते हैं, पता करते हैं, डायरी में देखते हैं कि नहीं लिखा हुआ, नहीं तो स्कूल जाएंगे तो फिर पता करते हैं, पूछते हैं कब क्या शेड्यूल है। हाँ हाँ ठीक है, चलो फिर बताएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ दीज इज ऑड वन आउट। इसमें से ऑड वन आउट कौन सा है ये देखेंगे। क्वेश्चन ऑप्शन ए में हमारे पास 5 इमेज है। चलिए देखिए कितने इमेज बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5। इसी प्रकार ऑप्शन बी में भी 5 इमेज हो रहे हैं, सी में 4 इमेज हो रहे हैं एंड डी में 5 इमेज हो रहे हैं। तो इस प्रकार ऑड वन आउट हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, अ कार कवर डिस्टेंस 22 किलोमीटर 2 hours 30 minutes। कार ए 22 किलोमीटर की डिस्टेंस 2 hours 20 minutes में पूरा करती है, जबकि कार बी जो है कवर सेम डिस्टेंस 22 किलोमीटर को 1 hour 30 minutes में कवर करती है। तो कार ए एक्स्ट्रा कितना टाइम लेती है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 hours 30 minutes में हम 1 hour 30 minutes को माइनस करेंगे, ये हमें पता चलेगा कितना एक्स्ट्रा ले रही है। तो ये 30 minutes इक्वल टू 0 hours to 1 hours, यानी 1 hour का टाइम इन्हें एक्स्ट्रा लग रहा है। कार ए को 1 hour का टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 1 hour बी है एंड सी 60 minutes, जिसको भी हम 1 hour कहते हैं। तो इस प्रकार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 8, सोनी वेट 5 kg लेस देन हर ब्रदर अल्बर्ट। इफ अल्बर्ट वेट 43 kg, देन व्हाट इज द सोनियाज वेट। सोनी का वेट हमें पता करना है। अगर उसके भाई का वेट 43 kg है और उसके भाई के वेट से सोनिया का वेट 7 kg कम है, तो 43 माइनस हम 7 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 43 minus 7, 13 में से 7 गया 6 और ये हो गया 3, 36 kg। तो सोनिया का वेट हो जाता है 36 kg, करेक्ट ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दिस द लाइटेस्ट इन वेट। इसमें से सबसे हल्का कौन सा है, ए एप्पल, बी ई सी फेदर, डी कोट।
करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन सी, फेदर इज द लाइटेस्ट इन वेट। ऑल ऑब्जेक्ट में सबसे लाइटेस्ट वेट फेदर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मच रोपे क्रिकेट बैट 65 एंड क्रिकेट बॉल 25, तो वो कितना जो है पे करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 65 प्लस 25 को हम प्लस करेंगे 5501 कैरी ऑन, तो 6 and 7 and 2 $90 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पी हैज 25 सेंट एंड एलेक्सा हैज 30 सेंट, तो हाउ मच डू यू हैव ऑल टुगेदर, तो दोनों को मिलाकर कितना होगा, कितनी मनी होगी, तो पिया के पास 25 है एंड एलेक्सा के पास 30 है, इनको मिलाकर हमारे पास कितना होगा, तो 5 and 2 and 3 5 55 सेंट करेक्ट आंसर इज 11 का 1 हो गया 55 सेंट। क्वेश्चन नंबर 12, लुक एट गिवन इमेज एंड बिलो द सबस्ट्रैक्ट, इसमें से हमें इसको प्लस करके यहाँ पर इसे काउंट करना है और इसको काउंट करके हमें सबस्ट्रैक्ट करना है। बच्चों इसे आप खुद करेंगे, ऊपर हमने इस तरह के सम आपको बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी बैलून्स आर देयर इन द पिक्चर, पिक्चर में कितने बैलून्स है, चलिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, सो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन 7, देखते हैं कौन से ऑप्शन में आ रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 7 बैलून है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 14, At what time will Sil have his lunch? Lunch का टाइमिंग क्या होता है, 2 PM, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा Sil 2 बजे लंच करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द करेक्ट नंबर स्टेटमेंट, नंबर स्टेटमेंट हमें करेक्ट फाइंड करना है। चलिए आइडेंटिफाई द करेक्ट नंबर्स, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो रहा है, देखिए 0 से 12, तो यहाँ पे हो गया 12 और माइनस इधर हम जा रहे हैं तो कितना हो रहा है 1 2 3 4, तो 12 माइनस 4 इस तरह का स्टेटमेंट हो जाएगा, 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ दिस नंबर नेम्स रिप्रेजेंट 101, 101 को कौन सा नंबर्स नेम यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, ऑप्शन ए 100, बी 118, सी 110, डी 101, करेक्ट आंसर इज हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सील हैज 12 एप्पल्स, हर सिस्टर गेव हर 2 more apples, सील के पास 12 एप्पल्स है और उसकी सिस्टर ने उसे 2 apples और दे दिए, तो उसके पास कितने हो गए 14 apples हो गए, बट हर ब्रदर टेक अवे 3 apples, लेकिन उसके ब्रदर ने उसे 3 apples ले लिए, तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 11, तो उसके पास कितने एप्पल्स बचे, हाउ मेनी एप्पल्स डज सिल हैव नाउ, अब उसके पास कितने बचे हैं, तो 11 एप्पल्स, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 17। 18, हंसल गो टू मार्केट बाय नोटबुक एंड फॉर 35 सेंट एंड बॉक्स क्रेयन ऑफ 14 सेंट, तो हाउ मच बिगर शॉपकीपर, अगर दोनों सामान खरीदने के बाद शॉपकीपर को हंसेल को कितना देना है, तो 35 प्लस 40 को अगर हम प्लस करते हैं तो ये हमारा हो जाता है ऑप्शन सी 75। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी मोर ट्रायंगल्स देयर इन देयर देन स्क्वायर, यहाँ पर ट्रायंगल्स कितना ज्यादा है स्क्वायर से, यहाँ पे स्क्वायर दिस इज स्क्वायर 1 हो गया, ट्रायंगल्स कितने हो गए 1 2 3 4 5, 5 triangles हैं, तो कितना ज़्यादा triangles है, तो इसमें हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20,
Dinah visited a pet store and saw 5 dogs there. How many legs together do these have 5 dogs? अगर 5 डॉग्स हैं और हमें बताना है कि कितने इनके पैर हैं, डायना विजिट पेट स्टोर एंड सॉ 5 डॉग्स, तो हाउ मेनी लेग्स टुगेदर डू दिस 5 डॉग्स हैव, तो 5 डॉग्स के कितने लेग होते हैं, देखिए एक डॉग्स के 4 लेग हैं और 5 डॉग्स है तो 4 इंटू 5 हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 20 लेग्स। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी 20 लेग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। Samuel placed an order of 4 pizza, each with 4 slices. How many total slices are there? Samuel ने 4 pizza का order किया है और हर pizza की 4 slices की गई है, तो उसको कितना slices के टुकड़े होंगे, तो 4 into 4 को हम multiply करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा correct answer is option D 16। Next question number 22। Fill in the blanks. There are groups of bananas. कितने groups हो रहे हैं बनाना में? 1, 2, 3। तो यहाँ पर 3 groups हो रहे हैं। There are banana each groups. प्रत्येक groups में कितने बनाना है? देखिए 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 5। And there are banana all together in, सभी बनाने कितने हो जाते हैं, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 ये हो जाते हैं हमारे 15। तो आंसर क्या होना चाहिए 3, 5 and 15। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। Drawing created by allies exactly how many triangles they are depicted in image. इस image में कितने triangles हमें दिख रहे हैं? देखिए 1, 2, 3। Correct answer is option B. Next question number 24. Dora has solving pattern. Fill in the missing number in it. 1, 3, 5, 7... यहाँ पर देखिए 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, तो 7 प्लस 2 यहाँ पर हो जाएगा 9, 9 प्लस 2 हो जाएगा 11 और 11 प्लस 2 13। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया आपका 9 प्लस 11। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। How many triangles will come in next row? इस row में कितने next triangles यहाँ पर बनेंगे, ये हमें इस option में बताना है। चलिए देखते हैं, पहला triangles में आपका first row में 1 triangle बन रहे हैं, second row में 2 triangles, third row में 3 triangles and fourth row में 4 triangles बन रहे हैं। जिस प्रकार ट्रायंगल्स एक एक ट्रायंगल्स बढ़ते जा रहे हैं, तो लास्ट नेक्स्ट ट्रायंगल्स में हमारे 5 ट्रायंगल्स बनेंगे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अचीवर सेक्शन से है। व्हाट इज द वेट ऑफ 12 मैंगोज? 12 मैंगोज में कितने केजी रहेंगे? अब यहाँ देखिए 2 kg = 3 mango, 2 kg = 3 mango, तो यहाँ पर हम मान सकते हैं 3 mango = 2 kg, तो 6 mango = 4 kg और 9 mango हम बढ़ा देते हैं तो यहाँ 6 हो जाएगा, और 12 mango अगर हो जाता, ये 12 mango है तो यहाँ हो जाएगा 8 kg। यहाँ पर इस प्रकार सीरीज बन रहे हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 kg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। How many more rectangles are there than circle? Circle से rectangle कितना ज़्यादा है? चलिए इसको देख लेते हैं, rectangle हमारा कितना हो रहा है? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 रेक्टेंगल्स हो रहा है और सर्कल कितने हो रहे हैं? 1, 2, 3, 4. इसको हम माइनस कर देंगे तो 11 में से माइनस 4 करेंगे तो कितना होगा? 27 का ए 26 यहाँ पर 10 रेक्टेंगल हो रहे हैं, 10 में से 4 गया 6. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. एनीवन स्कूल ऑफ 12 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम एंड लाइब्रेरी 15 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम विच ऑफ दिस फार्दर फॉर हिज होम एंड एनी हाउ मच मोर डिस्टेंस. अगर स्कूल की डिस्टेंस 12 किलोमीटर है घर से और लाइब्रेरी की 15 किलोमीटर तो कौन सा ज़्यादा दूर है, इसके घर से या होम से क्या ज़्यादा दूर है, स्कूल या लाइब्रेरी और कितना है? तो स्कूल 12 किलोमीटर है, लाइब्रेरी 15 किलोमीटर है, तो इस घर से लाइब्रेरी 15 किलोमीटर ज़्यादा है और कितना हो रहा है तो 15 माइनस 12 अगर हम करते हैं तो ये हो जाता है 3 किलोमीटर. लाइब्रेरी 3 किलोमीटर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. आई होप आपको आइडिया हो गया होगा. इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कृष्ट ओलंपियाड में क्लास फर्स्ट के बच्चों को करवा सकते हैं. आज के लिए इतना ही. प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. थैंक यू.